खबर कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। खबर क्या है ये बता देता हूं, हाथियों ने मार डाला। एक आंकड़ा ये भी है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और जवानों की शहादत जितनी नहीं हुई और नक्सलियों ने जितने हमले नहीं किए हैं उससे ज़्यादा हाथियों से लोगों की मौत हो गई है। आप समझिए, ये आंकड़ा ये भी है, छत्तीसगढ़ में अगर हाथी कुचल कर लोगों को मार रहा है तो फिर इसके पीछे क्या कारण है, ये भी आपको बताना जरूरी है। इसलिए चलिए अब खबर का रुख कर लेते हैं। हाथियों का आतंक बहुत बढ़ गया है, गांव में घुस जा रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, कुचल दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हाथियों का आतंक लगातार है, लगातार ये संभाग हाथियों का आतंक झेल रहा है। आप पहले कुछ वीडियो देख लीजिए, इसके बाद खबर में आगे बढ़ेंगे। में हाथी आ चुका है, सभी लोग सतर्क रहे। हाथी चलते डर के चलते भाई नहीं बनाएंगे तो आ जाते हैं, खाना नहीं खा पाते तभी आते हैं। घर में आप सो रहे हैं, 2 बजे रात 3 बजे रात और हाथी आ जाए, घर तोड़ दे, कुचल दे, आपकी मौत हो जाए। आप समझ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है इन इलाकों में। दिल दहल जा रहा है इन तस्वीरों को देखकर। मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल अंबिकापुर में रहते हैं और अक्सर हाथियों के आतंकी और डरावनी तस्वीर भेजते रहते हैं, उनके आतंक का कि किस तरह से देखता हूं, परेशान होता हूं। फिर से एक वीडियो देखा हूं, बहुत परेशान हूं वीडियो देखकर, इसलिए आपको भी दिखा देता हूं। रायगढ़ का वीडियो है, दिखाइए पहले ये वीडियो। सब हाथी देखे हैं ग्राम जुनवानी। गजराज रायगढ़ के जुनवानी गांव में पहुंच गए। फिर देखिए कैसे कच्चे मकानों को तोड़ रहे हैं। ये तो आज सुबह का वीडियो है। गांव वालों की माने तो इस गांव में लगातार हाथियों का हमला हो रहा है। एक दिन पहले भी 2 घर तोड़ दिए, इस बार तो गांव वालों ने हाथियों को भगा दिया। लेकिन हाथी कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आसपास रहने वाले लोग अभी भी दहशत में जी रहे हैं। सिर्फ पिछले 1 महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो इतने हाथी आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या वजह है, यहाँ पहले से ही हैं, अगर हैं तो कब से हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं। वन विभाग के दस्तावेजों की माने तो 18 हाथियों का एक झुंड अविभाजित बिहार के इलाके से, यानी जो अब झारखंड का हिस्सा है, वहां से साल 1988 में यानी छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने से 12 साल पहले इस इलाके में दाखिल हुए। बाद में बहुत कोशिशें हुई और 13 हाथियों को पकड़ा गया। इस कार्रवाई के बाद भी हाथियों का कुनबा लगातार बढ़ता रहा और सितंबर 2022 में वन विभाग की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक साल 2000 में सिर्फ 32 हाथी थे। साल 2007 में यह आंकड़ा 122 पर पहुंच गया और आज की तारीख में बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 300 हाथी अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। नक्सली हमले के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हाथियों के हमले में लोग मारे जाते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। पिछले कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो एलिफेंट अटैक से पिछले 3 साल में 204 लोगों की मौत हुई है, 204 लोगों की। छत्तीसगढ़ में हाथियों के 15 से ज़्यादा दल अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं। सरगुजा और कोरबा में सबसे ज़्यादा हाथी रहते हैं और ये हाथी ऐसा आतंक मचा दें कि लोग अपना घर छोड़कर मचान पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। ये वीडियो देखिए, हाथियों के बढ़ते आतंक के बीच हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल खुद रायगढ़ के क्रीड़ा गाँव पहुँचे और मचान में रह रहे लोगों से बातचीत की। बहुत कम समय है, फिर भी सुना दीजिए और दिखा दीजिए, क्योंकि मचान पर घर छोड़कर कोई रह रहा हो सोचिए कितना आतंक होगा, दिखाइए। सरगुजा संभाग में हाथियों ने पिछले 3 सालों में 3000 से अधिक परिवारों को परेशान किया है। कब से मचान बना के आप लोग रह रहे हैं? 6 साल का दिन हो गया है, 3 महीना का दिन। एक तो नहीं बैठने की जगह नहीं, सब घर धसका दिए और पानी भर गया घर में, तो कहाँ रहेंगे, गीला हो गया। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि गांव को छोड़ देना चाहिए? यहाँ पे कब तक रहे? गांव छोड़ दे, लेकिन